अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नदीम शहजाद फ्रॉम गैलेक्सी मोबाइल। तो दोस्तों आज हम आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दो ऐसे मोबाइल फोन के दरमियान जिनमें से ये दोनों ही इन्फिनिक्स कंपनी के मोबाइल फोन है। इनमें से एक बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट में लॉन्च किया गया इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस और दूसरा जो वेरियंट है हमारे पास वो इन्फिनिक्स का नोट 40 वेरियंट है। दोनों ही वो ऐसे मॉडल हैं जो कि इनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी रही है। फिलहाल जो जिसकी मॉडल की डिमांड चल रही है वो इन्फिनिक्स का नोट 50 प्रो प्लस हमारे पास मौजूद है। पहले जो इससे पर चल रहा था वो नोट 40 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन मॉडल में इनके फीचर में क्या फ़र्क है और इनकी जो प्राइस है उनमें कितना डिफरेंस है, इनमें से कौन सा मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बेहतर है जो कि आपको परचेज करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस की, तो इसमें जो कलर है वो तीन चार तरह के कलर हैं जिस पर कलर की आज हमने अनबॉक्सिंग करनी है वो इस मॉडल का पर्पल कलर है। तो दोस्तों अगर हम बात करें नोट 50 प्रो प्लस के रैम मेमोरी की, तो ये 8+8 रैम और 256 GB वाला मोबाइल फ़ोन है। और अगर हम बात करें इस मॉडल की स्मूथनेस की, तो 5 साल की इस मॉडल की वारंटी दी गई है कि जो इस मॉडल की जो फ्लुएंसी अब होगी यही 5 साल तक, इस मॉडल की जो है फ्लुएंसी 5 साल के बाद तक भी होगी। तो दोस्तों अनबॉक्स करते ही हमें अपनी मोबाइल डिवाइस मिल जाती है। मोबाइल डिवाइस के ऊपर वाले रैप की बात करें तो इसमें भी तकरीबन तीन चार चीज़ों को मेंशन किया गया है, जिसमें 5 ईयर की वारंटी को मेंशन किया गया, JBL के स्पीकर को मेंशन किया गया, NFC को मेंशन किया गया और इसके अलावा 2-3 ऑप्शन और हैं जिनको मेंशन किया गया। तो मोबाइल को हम कर लेते हैं जी ऑन, और मोबाइल के ऑन होने तक हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इन्फिनिक्स के नोट 40 की। दोस्तों अगर हम बात करें नोट 40 की रैम मेमोरी की, तो ये भी 8+8 रैम और 256 GB वाला मोबाइल फ़ोन है। इन दोनों मॉडल में जो पहली चीज़ सेम है वो इनकी रैम मेमोरी है, वो दोनों में सेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल के कलर की, जिस कलर की आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो इस मॉडल का ट्रेसिंग ग्रे कलर है, डिज़ाइन वर्क वाला ये कलर है। तो मोबाइल को हम कर लेते हैं जी अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते ही हमें इसमें भी मोबाइल डिवाइस मिल जाती है। मोबाइल डिवाइस के ऊपर वाले अगर हम रैप की बात करें, इसमें भी वही चीज़ों को मेंशन किया गया, JBL के स्पीकर को मेंशन किया गया, NFC को मेंशन किया गया और इसके फास्ट चार्जर को मेंशन किया गया। तो दोस्तों मोबाइल को हम कर लेते हैं दोनों को ऑन, और मोबाइलों के ऑन होने तक हम चेक कर लेते हैं इन मॉडल की एक्सेसरी की, इन दोनों मॉडल में हमें जो एक्सेसरी मिलती है इनकी क्वालिटी किस तरह की है। सबसे पहले अगर हम बात करें नोट 50 प्रो प्लस की, इसमें जो बैक केस दिया गया है इसकी क्वालिटी की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, इसका जो बैक केस है वो हार्ड प्लास्टिक वाला सिलिकॉन का केस दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल में सिम इंजेक्टर टूल मिल जाएगा। इसके अलावा इस मॉडल में मैनुअल गाइडलाइन वाली बुक्स दी गई है और कालकर का इस मॉडल में वारंटी कार्ड दिया गया, 65 जो 1 साल की इस मॉडल की वारंटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल के जो प्रोडक्टर है, एक अच्छी चीज़ है कि इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो प्लस में एज वाला मोबाइल होने की वजह से इस मॉडल में स्क्रीन प्रोटेक्टर भी साथ में मिलता है। और अगर हम बात करें इन्फिनिक्स में जो अडाप्टर दिया गया है, इसमें 33 वाट का सुपरफास्ट अडाप्टर मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इस मॉडल में जो केबल दी गई है, केबल Type-A to Type-C वाली केबल मिल जाती है। अब अगर हम बात करें इन्फिनिक्स के नोट 40 की, तो नोट 40 में जो एक्सेसरी मिलती है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एक जो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो इसका बैक केस दिया गया। इसमें भी बैक केस की क्वालिटी की बात करें तो इसमें भी हार्ड प्लास्टिक वाला हार्ड सा केस दिया गया। और इसके अलावा इसमें मैग सेफ का ऑप्शन दिया गया, जो कि इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया इन्फिनिक्स के नोट 40 में। ये एक अच्छी चीज़ है कि जो कि आपको नोट 50 प्रो प्लस में नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें भी मैनुअल गाइडलाइन वाली बुक्स दी गई है। और अगर हम बात करें स्मार्ट के साथ भी हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया, वो आप चेक कर सकते हैं कि सेम अच्छी क्वालिटी का दोनों मॉडल में ही हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों मॉडल में मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस मॉडल में जो अडाप्टर दिया गया इन्फिनिक्स के नोट 40 में, इस मॉडल में जो अडाप्टर है वो 45 वाट का फास्ट चार्जिंग वाला अडाप्टर मिल जाएगा, जो कि इन्फिनिक्स के नोट 50 प्रो प्लस से एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको 45 वाट का चार्जर मिलेगा नोट 40 में, और इसमें नोट 50 प्रो प्लस में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। इस मॉडल की सिम इंजेक्टर टूल मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इस मॉडल की केबल की, तो केबल हमें Type-A to Type-C वाली साथ में केबल दी गई है। अब अगर हम दोनों मोबाइल की सेटिंग कर लेते हैं जी कंप्लीट, तो दोस्तों दोनों मोबाइल की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन मॉडल के बैक डिज़ाइन की, तो बैक डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ये इन्फिनिक्स का नोट 50 प्रो प्लस वेरियंट है और ये इन्फिनिक्स का नोट 40 वेरियंट है। इन मॉडल की जो बैक डिज़ाइन है वो दोनों मॉडल का ही बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी नोट 50 प्रो प्लस के बैक कैमरा लेंस की, जिसमें जो ट्रिपल सेटअप के साथ मेन कैमरा लेंस है वो 50 MP का दिया गया, LED फ्लैशलाइट दी गई है। और अगर हम बात करें इस मॉडल की बैक की, तो बैक आप देख सकते हैं कि मैट फिनिशिंग वाली इस मॉडल की प्लास्टिक की हमें बैक मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इस मॉडल की साइडों की, तो वो आप देख सकते हैं कि इसमें
एज डिस्प्ले वाली इस मॉडल की साइडें दी गई हैं जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आती हैं और बिल्कुल स्लिम सा ये मोबाइल फ़ोन दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस मॉडल की राइट साइड की, तो राइट साइड पे पावर की का ऑप्शन मिलेगा, वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई हैं। मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड पर जो ऑप्शन मिलता है वो सिम इंजेक्टर का, सिम ट्रे का ऑप्शन दिया गया है। इसे भी ओपन करके मैं पहले आपको चेक करवा देता हूँ कि दोस्तों अगर हम बात करें सिम ट्रे की, तो सिम ट्रे में डुअल सिम डालने के लिए ऑप्शन दिया गया और इसकी बैक साइड पे आपको जो इस मॉडल का एसडी कार्ड डालने के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें इस मॉडल के नीचे वाली साइड पे माइक ऑप्शन दिया गया, टाइप सी की इस मॉडल में चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी और इस मॉडल का जो स्पीकर का ऑप्शन है वो डुअल मिलेगा, जो कि मोबाइल की नीचे वाली साइड पे भी और मोबाइल की ऊपर वाली साइड पे भी JBL के डुअल स्पीकर लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल की जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.7 इंच का 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड इस मॉडल में डिस्प्ले लगाया गया। इसके अलावा इस मॉडल के फिंगर की बात करें तो इन डिस्प्ले इस मॉडल में इन डिस्प्ले फिंगर का ऑप्शन भी दिया गया। और अगर हम बात करें इस मॉडल के बेजल्स की, तो वो आप देख सकते हैं कि इसमें नॉर्मल से बेजल्स भी दिए गए हैं। वो आप देख सकते हैं कि इनफिनिक्स के नोट 40 से थोड़े से इस मॉडल में बेजल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा पंच होल के साथ इस मॉडल में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और इसकी जो स्मूथनेस है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो बेहतर इस मॉडल में स्मूथनेस लगाई गई है। और अगर हम बात करें इस मॉडल की ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस भी काफ़ी बेहतर है, वो आप चेक कर लें। इस मॉडल की जो ब्राइटनेस है वो भी आपको काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस देगी, वो आप नॉर्मल डे यूज में भी काफी आपको बेहतर एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें इनफिनिक्स के नोट 40 की, तो नोट 40 का जो बैक कैमरा लेंस है इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें मेन कैमरा लेंस है ट्रिपल सेट के साथ कैमरा लेंस लगाए गए हैं। जो मेन कैमरा लेंस है वो 108 मेगापिक्सल का दिया गया हॉट 50 प्रो प्लस में, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा। नोट 40 में जो बैक कैमरा लेंस है वो 108 मेगापिक्सल का मिलेगा। LED फ्लैशलाइट दी गई है और इसमें आप नोटिफिकेशन लाइट का भी ऑप्शन देगा, जो कि 7 तरह की इस मॉडल में लाइटें ऑन होती हैं। जब आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है या कॉल वगैरह आती है या मोबाइल को ऑन ऑफ करते हैं, तो इसमें आपको डिफरेंट कलर्स में लाइट का भी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल का बैक जो डिज़ाइन है, यह जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें डिज़ाइन वर्क वाला ये डिज़ाइन है, ये ग्रे कलर है और काफ़ी खूबसूरत किस्म का ये डिज़ाइन दिया गया, जो कि पहले इस मॉडल में 2-3 कलर आए थे, गोल्ड जो गोल्ड और दूसरा ब्लैक, तीसरा कलर जो है इस मॉडल में ये रेसिंग ग्रे कलर है। काफ़ी खूबसूरत किस्म का ये डिज़ाइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोबाइल की राइट साइड की, तो राइट साइड पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो पावर की का ऑप्शन मिलेगा, वॉल्यूम अप डाउन कीज दी गई है। मोबाइल की नीचे वाली साइड पे सिम ट्रे का ऑप्शन दिया गया है, ये भी ओपन करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब मोबाइल की नीचे वाली साइड की बात करें, तो नीचे वाली साइड पे सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है वो सिम ट्रे का ऑप्शन दिया गया। इस सिम ट्रे की बात करें तो सिम ट्रे में डुअल सिम डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इसमें एसडी कार्ड डालने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो आपको हॉट 50 प्रो प्लस में मिलेगा। फिनिक्स नोट 40 अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको डुअल सिम डालने के लिए ऑप्शन ही मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें मोबाइल की नीचे वाली साइड पर जो ऑप्शन मिलता है वो माइक ऑप्शन दिया गया, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी, डुअल इस मॉडल में भी स्पीकर लगाया गया, जो कि मोबाइल की नीचे वाली साइड पे भी है और मोबाइल की ऊपर वाली साइड पे भी JBL के डुअल स्पीकर लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसमें भी 6.78 इंच का डिस्प्ले लगाया गया। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो ये बिल्कुल फ्लैट सा डिस्प्ले दिया गया और इसके जो बेजल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेजल्स को काफ़ी कम किया गया और इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस मॉडल की ब्राइटनेस की, तो वो ब्राइटनेस इसकी भी काफ़ी बेहतर है, जो कि इनफिनिक्स के हॉट 50 प्रो प्लस का मुकाबला करती है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस मॉडल के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड इस मॉडल में भी डिस्प्ले लगाएगा। फिंगर की बात करें तो इस मॉडल में भी इन डिस्प्ले आपको फिंगर का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इन मॉडल में जो फ़र्क है कि इनफिनिक्स के हॉट 50 प्रो प्लस में आपको एच डी डिस्प्ले मिलेगा और इनफिनिक्स का जो नोट 40 वेरिएंट है इस मॉडल में जो डिस्प्ले है ये आपको फ्लैट ही मिलेगा। अब अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा इसमें भी पंच होल वाला 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया। इनफिनिक्स के हॉट 50 प्रो प्लस में 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और इसमें जो आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा वो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। अब हम दोनों मॉडल से पिक्चर क्लिक करके मैं आपको इनका रिजल्ट भी चेक करवाता हूँ कि 50 मेगापिक्सल का किस तरह का रिजल्ट है और 108 मेगापिक्सल का किस तरह का रिजल्ट है।
तो दोस्तों अगर हम बात करें मॉडल की पिक्चर क्वालिटी की, तो पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है इन्फिनिक्स के हॉट 50 प्रो प्लस का रिजल्ट है, और ये जो मोबाइल का रिजल्ट है ये इन्फिनिक्स के नोट 40 का रिजल्ट है। और इनकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी बेहतर आपको पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। ये 50 मेगापिक्सल से ली गई पिक्चर है और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप बात करें इन्फिनिक्स के नोट 40 की, तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो इन्फिनिक्स के हॉट 50 प्रो प्लस से भी काफ़ी बेहतर आपको पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरनेस कितनी बेहतर है और ये बिल्कुल क्लियर सा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, जो कि 50 मेगापिक्सल का और 108 मेगापिक्सल का काफ़ी आपको और जो पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स के नोट 40 में। इसी के साथ अगर हम बात करें इस मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा एक में 13 मेगापिक्सल है और दूसरे में 32 मेगापिक्सल है, दोनों से हम पिक्चर भी क्लिक कर लेते हैं जी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इन मॉडल के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा भी में भी काफ़ी फ़र्क है। एक में 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और दूसरे में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया। 13 मेगापिक्सल की जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर सा इसका रिजल्ट है और इसके जो बैक बॉक्स का जो है वो क्लियरनेस है वो भी काफ़ी बेहतर है। इसी के साथ अगर हम बात करें नोट 40 की, तो नोट 40 में जो पिक्चर क्वालिटी है वो हॉट 50 प्रो प्लस से भी काफ़ी बेहतर आपको क्वालिटी प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि फेस को भी काफ़ी क्लियर किया गया और इसके जो बैक कलर हैं बॉक्स के जो कलर हैं वो भी काफ़ी क्लियर हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कैमरे को ओपन करने पे आपको जो ऑप्शन मिलेंगे इनकी बात कर लेते हैं जी, तो इन्फिनिक्स के हॉट 50 प्रो प्लस में जो ऑप्शन मिलते हैं इसमें फोटो का ऑप्शन दिया गया, वो 1x से 2x तक जूम कर सकते हैं और इसमें 50 मेगापिक्सल का जो पिक्चर क्लिक करने के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, वो ऊपर वाली साइड पे ऑप्शन दिया गया। इसी के साथ वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलेगा, 1080 पे 30fps में वीडियो बना सकते हैं और इसी के साथ इसमें 2K वीडियो बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप 30fps वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा फिल्म का ऑप्शन दिया गया, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सुपर नाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, मोर पे जाएंगे तो मोर पे जो ऑप्शन मिलेंगे इनकी अगर हम बात करें तो इसमें स्लोमो का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलेगा, डुअल वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलेगा, प्रो का ऑप्शन मिलेगा और इसी के अलावा 2-3 ऑप्शन और भी आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी इन्फिनिक्स के नोट 40 में जो ऑप्शन मिलते हैं, इसमें 1x से 3x तक जूम कर सकते हैं फोटो को और इसमें 108 मेगापिक्सल की पिक्चर क्लिक करने के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया, जो कि मोबाइल के ऊपर वाली साइड पे है। और इसी के साथ अगर हम बात करें वीडियो की, तो वीडियो में आप 1080 पे 30fps पे भी वीडियो बना सकते हैं और 60fps पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो दोनों मॉडल में ऑप्शन मौजूद है 60fps का 1080 पे। इसी के साथ 2K की वीडियो भी आप बना सकते हैं, जो कि 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो बनाने का ऑप्शन जो है वो दोनों मॉडल में सेम दिया गया। फिल्म का ऑप्शन मौजूद है जी, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया, सुपर नाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मोर पे जाएं तो मोर पे सेम आपको ऑप्शन मिल जाएगा, स्लोमो का ऑप्शन मिलेगा, डुअल वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट वीडियो बनाने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें मॉडल के एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड वर्जन दोनों मॉडल में सेम है, एंड्रॉइड 14 इनके मॉडल में एंड्रॉइड वर्जन दिया गया। प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर के प्रोसेसर लगाए गए हैं इन्फिनिक्स के हॉट 50 प्रो प्लस में। जो चिपसेट लगाया गया वो मीडियाटेक हीलियो G100 चिपसेट लगाया गया। और अगर हम बात करें नोट 40 की, तो इसमें जो चिपसेट है वो मीडियाटेक हीलियो G99 का चिपसेट लगाया गया। चिपसेट की बात करें तो इन्फिनिक्स का नोट हॉट 50 प्रो प्लस थोड़ा सा बेहतर है। इसी के साथ अगर बात करें मॉडल की बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी लगाई गई है, जिसमें 33W का फास्ट चार्जर मिलेगा और इसमें आपको 45W का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जो मेन चीज़ है इन मॉडल की प्राइस है, तो इन मॉडल की जो इन्वाइस रखी गई है इन्फिनिक्स के हॉट 50 प्रो प्लस की, जो इन्वाइस लॉन्च की गई है वो 58,000 रुपये इन्वाइस लॉन्च की गई है, जिसमें आपको 58,000 रुपये इस मॉडल की इन्वाइस है। लेकिन ये आपको मार्केट से 58,000 से डिस्काउंट रेट पे ही मार्केट से मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इन्फिनिक्स का नोट 40 की जो इन्वाइस है, इस मॉडल की जो इन्वाइस है वो भी 58,000 रुपये इन्वाइस लॉन्च की गई है, लेकिन ये आपको मार्केट से जो मिलेगा वो 49,000 से 50,000 की कीमत में आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। अब इनमें से जो बेहतर ऑप्शन है इनकी बात करें, तो इनमें से आपको फ्रंट कैमरा बैक कैमरे के लिहाज से नोट 40 को प्रेफर करना चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करें चार्जर की, तो चार्जर के लिहाज से भी नोट 40 काफ़ी बेहतर मोबाइल फ़ोन है। और अगर हम बात करें इस मॉडल की जो डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो एज स्क्रीन लेना चाहते हैं तो वो हॉट 50 प्रो प्लस है, लेकिन अगर आप फ्लैट डिस्प्ले की बात करें तो इन्फिनिक्स का नोट 40 काफ़ी बेहतर आपको काफ़ी लिहाज से बेहतर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इनमें से जो बेहतर मोबाइल फ़ोन है मेरे लिहाज से, तो मैं तो जो हॉट 50 प्रो प्लस से
इसका नोट 40 को आपको रिकमेंड करूंगा कि जो कि आपको प्राइस के लिहाज से भी काफ़ी थोड़ा सा बेहतर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको डिस्काउंट भी काफ़ी इनवाइस में मिल जाएगा और इसकी जो कैमरे की और जो इस मॉडल की चार्जिंग की स्पीड है वो भी आपको काफ़ी बेहतर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।